आपने जब पाटीदार एजिटेशन हुआ, कहीं ना कहीं वो पूरा एजिटेशन ने एक हिला के रख दिया था गुजरात को। उस समय पे आप इंडिपेंडेंट थे, फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन करा, फिर आप कांग्रेस के साथ थे, आपके साथ जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बड़ा खुश थे। अब आपने सडनली पार्टी बदल ली पिछले साल, तो क्या कोई प्रेशर में आके बदली कि आइडियोलॉजी चेंज हो गई सडनली? नहीं, हमारी आइडियोलॉजी तो पहले से खुल के, इसमें कोई आइडियोलॉजी चेंज नहीं होती, आइडियोलॉजी तो रहती है। हम तो पहले से भी, मेरे पापा इस असेंबली में प्रमुख होद्देदार पदाधिकारी रहे हैं। आपके पिताजी? जी, यहाँ बीजेपी को खड़ा करने वाले हमारे पिताजी है। तो आइडियोलॉजी तो हमारी पहले से ही जनसेवा की आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है लोक सेवा, जन सेवा, राष्ट्र सेवा, राज्य की सेवा। जो कांग्रेस करना नहीं चाहती हो, आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई। हमने तो अपना फैसला लिया कि कांग्रेस लगातार गुजरात के खिलाफ रही है, लगातार गुजरात के खिलाफ बातचीत कर रही है। मैंने कई बार कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को गाली ना दीजिए, आप लगातार अपनी गलत इमेज खड़ी मत कीजिए, लेकिन वो अपनी स्थिति में घूमे रहे। मैंने जब राम मंदिर का फैसला लिया गया, मैंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए अपना दान देने वाला हूँ, कांग्रेस को देना चाहिए। अरे नहीं नहीं हार्दिक, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसे बोला कांग्रेस ने? बिल्कुल, किसी बड़े लीडर ने बोला क्या? राहुल गांधी ने? होती है ना, स्टेट लीडर तो हमें ऊपर पूछना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग लगातार स्थानिक मुद्दों के साथ, प्रदेश के मुद्दों के साथ खड़े ही नहीं रहना चाहते। आप देखिए ना कि गुजरात में चुनाव है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा साउथ में कर रहे हैं, गुजरात के लिए विजन नहीं है, गुजरात के लिए प्लान तैयार नहीं है, तो फिर कैसे लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे? इसीलिए, क्योंकि लोग कांग्रेस को नहीं पसंद करते, इसलिए आपने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर ली हमने, खुल के कर ली। नहीं, अभी आप एक बहुत जरूरी बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने बोला कि राम मंदिर के लिए डोनेशन नहीं देना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कांग्रेस को कि स्टेट पार्टी को, जैसे कि मध्य प्रदेश के चीफ ने उस समय चांदी की ईंटें भेजी थी, तो उसी प्रकार मैंने कहा कि गुजरात कांग्रेस को भी राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो बोला नहीं, हमको ऊपर पूछना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं दे सकते। फिर मैंने खुद, आप मेरा ट्विटर वगैरह देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने 21,000 रुपये मैंने खुद उस पर दान किए थे, और मेरी टीम के कई लोगों के द्वारा मैंने कराया भी गया था, क्योंकि भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए। हार्दिक, कभी राहुल गांधी या प्रियंका से, कभी गांधी से बात हुई है उनसे कोई? उन्होंने कभी आपको कहा हो कि क्या नई पार्टी मत छोड़िए? कभी उनसे कोई इंटरेक्शन रहा है? नहीं, जब आखिरी बात हुई तो ऐसा कुछ नहीं था कि मत छोड़िए। उनको कहाँ जरूरत है मजबूत लोगों की, उनको तो वही चापलूसी करने वाले लोगों की जरूरत है। जब पार्टी छोड़ना तैयारी कर रहा था, मैंने कहा था भाई आपको ऐसे ही करना है तो मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, और तब जाकर भी उन लोगों ने ये भी नहीं कहा था कि नहीं नहीं तुम जैसे लोगों की जरूरत है। उनको किसी की जरूरत ही नहीं है, उनको तो गुजरातियों की ही जरूरत नहीं है। अच्छा। लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ कांग्रेस रही है, वो मुझे 2 साल में पता चला। और देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि मैं अकेला नहीं हूँ कि मैंने पार्टी छोड़ी है। मैं तो अच्छा है, मैं तो फायदे में रहा, मैंने 2 साल में छोड़ दी। गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो, सिंधिया जी हो, आरपीएन सिंह हो, अशोक तंवर हो, वो जाके पूछे कितने साल बिगाड़े, बाद में उनको पता चला। कहीं ना कहीं जो लोग पार्टी छोड़ते हैं ना, उनपे हमेशा देखा गया है, एक एलिगेशन ये भी लगता है कि आप पे केसेस बढ़े थे, तो क्या कोई प्रेशर था कि भैया ज्वाइन कर लो हमारी पार्टी तो केसेस हटवा देंगे? ये तो एलिगेशन है ऑपोजिशन का। वो तो आज भी है मेरे पे केस, अभी हटे नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी ज्वाइन करने से केसेस हट जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपकी गलत फहमी है, क्योंकि कानून स्वतंत्र है, कोर्ट स्वतंत्र है, ऐसे केस नहीं हटते।